अब हम अगला टॉपिक देखेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज थेवेनिन थ्योरम। क्लियर? थेवेनिन थ्योरम क्या स्टेट करता है, ध्यान देंगे। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर बायलैटरल सर्किट एलिमेंट्स, लीनियर बायलैटरल मतलब उसमें क्या होंगे, कोई एक एक्टिव सोर्स होगा और रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस कोई भी होगा, मगर थेवेनिन में हम जनरली देखते हैं, कंसिडर करते हैं रेजिस्टेंस को ही। क्लियर? तो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर बायलैटरल सर्किट एलिमेंट्स एंड एक्टिव सोर्सेस कनेक्टेड लोड RL मे बी रिप्लेस बाय ए सिंपल टू टर्मिनल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल वोल्टेज सोर्स VTH एंड ए सिंगल रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द वोल्टेज सोर्स अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ द लोड RL। क्या है देखिए, सिंपली एक फिगर है। यहां क्या है देखिए, ये एक आपको टू पोर्ट नेटवर्क दिया गया है। इसमें हमको क्या करना है, इस लोड रेजिस्टेंस का क्रॉस मेरे को करंट मेजर करना है। तो मैं सिंपली कुछ नहीं करूंगा, पहले मैं इस लोड रेजिस्टेंस को हटा के VTH को कैलकुलेट कर लूंगा और VTH को शॉर्ट करके मैं टोटल इस रेजिस्टेंस में मौजूद रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लूंगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लूंगा। क्लियर? तो ध्यान देंगे आगे क्या है, द वोल्टेज VTH इज द ओपन सर्किट वोल्टेज measured at the two terminals with the load resistance RL removed। तो क्लियर, मैंने अभी जो बताया कि मैं RL को रिमूव करके मैं क्या करूंगा, इस सर्किट में टोटल वोल्टेज को फाइंड आउट कर लूंगा जो मेरे को VTH देगा। क्लियर? दिस वोल्टेज इज कॉल्ड थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज। द RTH इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन नेटवर्क एज व्यूड थ्रू द टर्मिनल्स वेयर RL इज कनेक्टेड। अब मैं क्या करूंगा, जब RTH निकालूंगा मतलब मैं इसको शॉर्ट करके टोटल इस सर्किट में मौजूद RTH रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड कर दूंगा जो मेरे को टोटल रेजिस्टेंस RTH बताएगा, जो मेरा क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन नेटवर्क। क्लियर? तो इसका स्टेप्स को देख लेते हैं हम, कैसे हमको इसको सॉल्व करना है और इस सर्किट को भी ध्यान से देखेंगे आप। क्लियर? सर्किट के हिसाब से चलते हैं। तो स्टेप्स टू अप्लाई थेवेनिन्स थ्योरम। Step 1, remove the branch resistance through which current is to be calculated। हमको जिस ब्रांच का क्रॉस करंट निकालना है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हटा देंगे। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप 2, कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस ओपन सर्किटेड टर्मिनल्स बाय यूजिंग एनी ऑफ द नेटवर्क सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स विच विल गिव यू वोल्टेज VTH। अब मैं क्या करूंगा, उस ओपन सर्किट, ये देखिए डॉट ए बी मेरा क्या हो जाएगा, जैसे इसको मैं अगर रिमूव कर दूंगा तो ये मेरा ओपन सर्किट हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस क्या करूंगा, मैं वोल्टेज मेजर कर लूंगा। क्लियर? बाय किसी भी मेथड से, जो हमारे पास दो मेथड है, क्या है, नोडल और मैश। तो इसमें से हम क्या करेंगे, किसी को भी लगा के हम इक्विवेलेंट वोल्टेज निकाल देंगे। क्लियर? दैट इज VTH। स्टेप 3 में क्या करेंगे, Calculate RTH as U through the two terminals of the branch from which current is to be calculated by removing that branch resistance and replacing all independent sources by their respective internal impedances or resistances। अगर ध्यान देंगे, हमको RTH निकालना है तो RTH निकालने के समय हम क्या करेंगे, जो ब्रांच के क्रॉस हमको करंट निकालना है उसको रिमूव कर देंगे पहले। क्लियर? और जो इंटरनल इम्पीडेंस सोर्सेस है, मान लीजिए वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है, तो उसको हम क्या करेंगे, अगर उसके इंटरनल इम्पीडेंसेस को दिया गया है तो या रेजिस्टेंस दिया गया है तो हम उसको उससे रिप्लेस कर देंगे। अगर नहीं दिया है तो सिंपली हम क्या करेंगे, उस सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस है हम उसी को मेजर करेंगे। क्लियर? स्टेप 4, ड्रॉ द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट शोइंग सोर्स VTH विद द रेजिस्टेंस RTH इन सीरीज। उसके बाद एक थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सोर्स सर्किट बनाएंगे जिसमें हम सिंपली VTH RTH को शो करेंगे। क्लियर? और क्या करेंगे, फिर स्टेप 5 में रिकनेक्ट द ब्रांच रेजिस्टेंस। अब जो हमने ब्रांच को इनिशियली रिमूव किया था, अब उसको क्या कर देंगे, उस सर्किट में जोड़ देंगे। क्लियर? लेट इट बी RL, तो देन द रिक्वायर्ड करंट थ्रू द लोड ब्रांच इज, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस सर्किट में टोटल IL दैट इज लोड करंट को हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे through the given formula that is IL equals to VTH upon RTH plus RL। VTH मैंने फाइंड कर लिया था, क्लियर, RTH फाइंड कर लिया था, और इसमें बस मैं क्या करूंगा, प्लस RL को ऐड करके, मतलब I equals to V by R के फॉर्म में चेंज करके मैं क्या करूंगा, उस सर्किट में करंट की जो वैल्यू होगी उसको मैं फाइंड आउट कर लूंगा। क्लियर? तो ये मेरा फाइनल थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज करंट का फॉर्मूला है। ओके, थैंक यू।